शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद रेत कारोबारी अवैध रेत उत्खनन के लिए नदियों में उतर आए हैं। बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन भी शुरू हो गया है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी इन रेत माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले के निर्भर तहसील में बहने वाली सिंध पार्वती और महुअर नदी में चिताहारी घाट, मछाबली घाट, जरगबा, दौनी, गोकुंडा, पनानेर आदि नदियों से बड़े पैमाने पर नदियों का सीना छलनी हो रहा है। इन नदियों में पोकलैंड मशीन, जेसीबी और पानी के अंदर से रेत निकालने वाली पनडुब्बियों से नदी के किनारे रेत निकालकर डंपरों में भरकर जिले भर में परिवहन किया जा रहा है। जिला खनिज अधिकारी भी कलेक्टर के आदेश पर जांच करने चिताहारी खदान पर पहुंचे थे, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट आए। खनिज अधिकारी का कहना है कि इस मौके पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए वो वापस आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक आखिर मध्य प्रदेश की नदियों का सीना छलनी किया जाता रहेगा, कब तक अवैध रेत का उत्खनन किया जाता रहेगा, आखिर कब रुकेगा रेत का अवैध उत्खनन। हमने कल जांच की, स्थल जांच में वहाँ किसी प्रकार का कोई रेत उत्खनन नहीं पाया गया। हमारे पास सर वहाँ के ऐसे वीडियो वगैरह भी आए हैं, उसमें जिसमें मतलब मशीन लगी हुई है, पनडुब्बी वगैरह की। कब के आई वीडियो? परसों की है। ठीक है, हमको उपलब्ध करा दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे उनकी। बाकी चिताहारी में जितने भी संभव जगह से रेत निकाला जाना हो सकता था, उन सब जगहों को देख लिया, चेक कर लिया।